Assalamualaikum. Welcome to my brand new vlog. Yes, माशाल्लाह. तो आज हमारी जो कुक हैं वो ये हैं और ये बना रही हैं आज का पुलाव. और सबसे खुशखबरी वाली ये बात है कि सिर्फ हम लोग हैं और कोई भी नहीं है. बिल्कुल पुलाव खाने के लिए जबरदस्त. Yes, तो अभी हम लोग खाना वाना बना रहे हैं. मैं मिठाई लाई ना, डब्बा भर फेंक गया. डब्बा जो ट्रे है ना वो वाली मिठाई थी, मज़ेदार मिठाई थी. हाँ जी, बहुत यमी थी. थैंक यू सो मच. और मेरे लिए प्यारा सा जोड़ा भी लेकर आई हो जाएगा. तो अभी इसमें दही भी जल रहा है माशाल्लाह जी. इससे ये देख सकते हो आप लोग कैसे बॉडी यू नो मेरे. आहा. तो आप खुद बताओ कि इसका पुलाव कैसा बनेगा. माशाल्लाह. वाओ, ये किस चीज़ की यखनी है? पुलाव की यखनी है ना. पुलाव की है, बीफ की है. बीफ पुलाव की यखनी है भाई. वाओ, मज़ेदार. यस, तो अभी मैं और भाई और बच्चे हम लोग ज़रा जा रहे हैं यू नो बाहर, ताकि हम लोग थोड़ा सा वेदर इंजॉय करें. वेदर तो बहुत ही कोई सड़ा हुआ वेदर है, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके. कल भी भाई रात के 3 बजे कहीं जाके हवा चली है ना. हाँ. हल्की इसी की रात के 3 बजे जाके हवा वगैरह निकली है और बस उसके बाद कहीं जाके मज़ा आया कि वाकई ही कुछ ईद का मौका है. इसको देखो, इधर आओ ज़रा, इधर आओ, इधर आओ. ये देखो सबसे छोटा पीस. कैसे हो? ठीक हो? क्या कर रहे हो? इधर आना आया. तुम भी पके, तू भी आई. ये देखिए जी, हनाया. हनाया ने तो आंखों में लेंस लगाए हुए हैं. वाओ, वेरी नाइस. हेलो बकर. हेलो, कैसे गाइस? सब ठीक ठाक. तुम लोग बताओ. हमने सोचा आज प्यारी सी एक ईद का सेकंड डे है, तो एक अच्छा सा ब्लॉग होना चाहिए भाई. मज़ेदार खाना बन रहा है. कल भी बहुत मज़े का बना था और आज भी खाना बन रहा है. और ईद तो यही होता है भाई, खाओ पियो, याशी मारो और अपनी ज़िंदगी जियो. माशाल्लाह, बीफ पुलाव इतना बड़ा देश का बना है आज हमारे घर और हम अकेले खाएंगे. बट अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार सा पुलाव. प्लीज़ गाइस, नज़र ना लगाना. अल्लाह पाक खैर करे और अल्लाह पाक सबको कबूल करे जी, जिन्होंने कुर्बानी की है माशाल्लाह. और अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस एंड जूसी पुलाव. सेकेंड डे ऑफ ईद. यस, माशाल्लाह, सो यम्मी. अल्हम्दुलिल्लाह, मज़ेदार बना यार. यूरो, एक तो भूख लगी हुई थी, उसका गर्मा गर्म पुलाव. मुझे पसंद है, मैं देसी तरीके से खाती हूँ हाथों से. चम्मच वम्मच मुझे ज़्यादा एक्टिंग पसंद नहीं है. हाँ, आप होटल्स में जाते हो तो ठीक है, बट अगर आप घर पर हो सो आपको मज़ा ऐसे ही आता है कि आप हाथों से खाओ. अल्हम्दुलिल्लाह. यस, माशाल्लाह, तो पुलाव बना हुआ है एंड साथ वाओ, आज मेरी मम्मी ने खाना बनाया है भाई, डिलीशियस से माशाल्लाह. थी कढ़ाई बनाई है आज और बहुत मज़े की फ्रेगरेंस आ रही है. आहा. यस गाइस, तो दादा भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह. अबक भी बैठा हुआ है और अली भी बैठा हुआ है. एंड ये तो हंसता ही नहीं है ना. ये देखो, ये भी बैठे हुए हैं. ये देखो, ये भी बैठे हुए हैं. हम लोग देख रहे हैं सब लोग रजब अली का व्लॉग. यू नो व्हाट, बैठे हुए आज सेकंड डे जो है हमारा ऐसे ही गुजर रहा है. बच्चा पटिया घर, सेकंड डे आज हमारा घर में गुजर रहा है. हमने पुलाव बनाया था, बहुत मज़ेदार पुलाव बना था, बहुत अच्छा पुलाव बना था. ओके, यू नो डिलीशियस खाना बना था और मज़ा आया. फैमिली का, फैमिली के साथ ऐसे ही होता है यार. अगर आप फैमिली के साथ हो तो ये है मेरी मॉमी. यस गाइस, तो गुड मॉर्निंग हो गई है और मैं बस अभी सोऊंगी, रेस्ट करूंगी. आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह. खाया पिया, एंजॉय किया. एंड देन मेरी एक फ्रेंड आ गई, उसके साथ बैठे, उसके बच्चे आए हुए थे माशाल्लाह. बहुत बेस्ट टाइम गुजारा, बहुत अच्छा गुजारा. ज़ायदा भी आई हुई थी, बच्चे वगैरह सब आए हुए थे घर में. सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें, करम है उस पाक ज़ात का, दुआओं में याद रखा करें. इनकी है मेरे साथ ज़ायदा.
अभी तक हम सो ही नहीं है, हम पी रहे हैं जूस। जूस की प्रमोशन नहीं कर रहे बट हम जूस पी रहे हैं सुबह सुबह। खाना खाया हुआ था, प्यास लगी हुई थी, नोजी शोजी सब बंद हो चुकी थी। ठंडी ठंडी लस्सियाँ, लस्सियाँ, जूस, साथ में प्रॉपरली नाश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से कम है, अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता मंगवाया था जी मैंने बाहर से, तो बस वो खाया पिया, मज़ा आया। सो बस टू मच फन किया आज का। होप आप सबको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, जिसको नहीं अच्छा लगा इट्स ओके, वो जाए भाड़ में। जिसको अच्छा लगा हो थैंक यू सो मच, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना यार। एंड देन कमेंट्स किया करो प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे, ताकि मुझे आप लोगों के होने का एहसास हो कि मेरे व्लॉग्स देखते हो। एंड शेयर किया करो जितना हो सकता है, व्लॉग को शेयर करो। सबके पास ऑब्वियसली व्हाट्सएप है, स्नैपचैट है, तो हर जगह प्लीज शेयर किया करो, इंस्टाग्राम है। सो गाइस लव यू टू, बहुत मजा आया आज का दिन, बहुत अच्छा, आज की सुबह भी बहुत अच्छी थी, आज की शाम भी बहुत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। वी आर गोइंग, हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं बेड पर। सो मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। ईद का तीसरा दिन कैसा होगा आपको कल पता चलेगा, बताएंगे कि क्या करना होगा। यस ओके बाय, लव यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अल्लाह के हवाले। अल्लाह पाक सबकी खैर करे और दुश्मनों को हर हासदीनों को हमसे दूर रखे। yes. और यस गाइस, तो हमारा प्लान बन रहा है कि हम लोग यू नो वो भी बनाए, यू नो लाइक बारबेक्यू वगैरह कुछ प्लान करें, सब प्लान पार्टी शार्टी का बन रहा है। सो देखते हैं, लेट्स सी। एक मेरी फ्रेंड की तरफ से भी इनविटेशन आया मुझे, हमारी दावत है DHA में। yes. वो so, मजा करेंगे, दिखाएंगे भी आपको और बताएंगे भी कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, इन्जॉय करेंगे फुल। स्विमिंग पूल का भी दिल कर रहा है, जितनी गर्मी है पाकिस्तान लाहौर में, जो लाहौर में रहते हैं ऑब्वियसली उन्हें पता होगा इतनी गर्मी है, लाइक यू नो 47 डिग्री है। सो होप अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खैर करे, और जिनके पास घर नहीं है उनको घर दे, और सबको नवाजे यार, दुश्मनों को, दोस्तों को, सबको रब नवाजे, दुश्मनों को हदायत दे, बस हासदीनों को हमसे दूर रखे। आमीन सुमा आमीन। Good night, love you, bye bye, take care, wow, sweet dreams. Hello, क्या हाल है guys? कैसे हैं आप सब लोग? मैं बस सभी डिनर विनर करने लगी थी, तो सोचा अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँ, सो फ्रेश होने लगी थी। ईद का सेकेंड डे भी था, माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र उस पाक ज़ात का, थैंक यू सो मच अल्लाह पाक कि आप हो, और अल्लाह पाक सबको खैर करे जी, सबके लिए, सबके लिए अच्छा टाइम लेकर आए, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, एंड यू नो व्हाट, बुरे लोगों से और हासदीनों से दूर रखे हमें। आमीन सुम आमीन, बिकॉज लड़ाई ज़रूरी नहीं है, कोई गलत बोले तो उसको गलत जवाब दिया जाए, यू नो इग्नोरेंस इज़ अ वेरी गुड थिंक, अगर आप किसी को इग्नोर करते हो या आप किसी को टू द पॉइंट रखते हो और आप किसी को यू नो उसको गाली पे गाली, अगर वो गाली अब्यूज़ करता है और आप उसको अब्यूज़ नहीं करते हो, तो उसके लिए बहुत बड़ी शार्ट अप कॉल होती है, ठीक है। सो आई नो वेरी वेल के मेरे बहुत सारे हेटर्स हैं, बट कोई बात नहीं, मैं अपने अल्लाह से उनके लिए भी दुआ करती हूँ, और जो मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, और अल्लाह से यही इल्तजा करती हूँ कि मेरे दुश्मनों को, मेरे हासदीनों को दूर कर दे, इतना दूर कर दे, इतना दूर कर दे तो उनको अपनी ही पड़ जाए। बस जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझसे चाहने वाले हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत नवाजे उनको, आमीन, मेरे लिए दुआ है। सो गाइस, डिनर का टाइम है, आप सभी अपना ख्याल रखो, मैं ये व्लॉग अपना यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हैं कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ, बहुत 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 प्यार, लव यू सो मच, हागी किसी फॉर माई फैंस एंड फैमिली, एंड यू नो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फैमिली हैं, उन सब के लिए बहुत सारा प्यार, दुआएं आप सबके साथ हैं। आप सब भी मुझे जैसे मेरा व्लॉग देखते हैं दुआओं में याद रखा करें, किसी से हसद करने से या किसी से जलन करने से आपके पास जो है वो भी चला जाता है, खुश जाता है, तो इसलिए आप अवॉइड करें इन चीज़ों को, अपने अंदर से निकालें, और किसी को तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें कि आप खुद क्या हैं। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। अब मैं अपना व्लॉग